नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से एक वैकेंसी सामने निकल के आई है जिसका नाम है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च बाट इंदिरा पुल के निकट गांधीनगर। आइए इसके बारे में देखते हैं। ITI स्टूडेंट्स के लिए ये जो पिछली बार में हमने वीडियो में बताया था कि लगभग 4000 की सीटें आने वाली हैं, उन्हीं से एक संस्थान है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। विज्ञापन संख्या जो दिया हुआ है विज्ञापन संख्या है 5/2022, यानी कि यह वैकेंसी अभी कुछ दिन पहले निकल के सामने आई है। इसका डिटेल्स देखते हैं, कौन से ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो कुल सीटों की संख्या है मात्र 1 सीटें हैं, तथा फिटर के लिए जो सीटों की संख्या है जो 4 है, मशीनिस्ट के लिए सीटों की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए सीटों की संख्या 3 है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के सीटों के लिए जो कुल संख्या है 1 है, यानी कि पदों की जो कुल संख्या है 10 है, 3 अनारक्षित हैं तथा 3 अन्य के लिए है तथा 4 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। इसके बाद शैक्षिक और तकनीकी योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षिक और तकनीकी योग्यता है 10वीं में मिनिमम जो आपका होना चाहिए 60% होना चाहिए, और इलेक्ट्रीशियन फिटर मशीनिस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन को रखा गया है क्वालिफिकेशन ITI के साथ आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, और हाई स्कूल में मिनिमम जो होना चाहिए 60% होना चाहिए, यानी हाई स्कूल में जिनका 60% है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, और 2 साल की ITI होनी चाहिए जिस ट्रेड के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं, यानी मिनिमम 2 साल का ITI यही होना आवश्यक है। और इसके आगे देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए पोर्टल 6/10/2022 से लाइव होगा, यानी कि 6 अक्टूबर से आप ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं, यानी 6 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। इसकी आयु सीमा क्या रखी गई है। आयु सीमा जो रखी गई है मिनिमम 18 साल और अधिकतम 22 साल, यानी कि मिनिमम जो है 18 साल है, मैक्सिमम 22 साल, 18 साल और उसके बाद 22 साल मैक्सिमम है। और इसके प्रसार से सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार छूट दी जाती है, यानी OBC के लिए 3 साल आल, तो OBC के लिए मैक्सिमम 25 साल तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, तो कितना हो जाएगा 27 साल, यानी कि OBC जो कैंडिडेट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, 25 साल तक के लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तथा जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं वे लोग 27 वर्ष तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की जो प्रक्रिया रखी गई है, चयन की प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग है रिटेन एग्जामिनेशन, द्वितीय चरण में भी रिटेन एग्जामिनेशन है, तथा तृतीय चरण में स्किल टेस्ट को रखा गया है। तृतीय चरण में स्किल टेस्ट है। प्रथम चरण में क्या होगा, प्रथम चरण में प्रारंभिक एक परीक्षा होगी OMR बेस्ड, इसे क्वालिफाई करना कंपलसरी है, जिसमें मैथमेटिक्स यानी गणित से 20 प्रश्न, विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य जागरूकता यानी GS से 10 प्रश्न, यानी कुल प्रश्नों की कुल संख्या जो होगी 50 होने वाली है, तथा इसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, तथा सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि जो निगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3 रखी गई है, जिस तरह से रेलवे में रखी जाती है 1/3 की निगेटिव मार्किंग, उसी तरह से इसमें भी है तथा अनारक्षित श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी को कम से कम 40 अंक लाना होगा, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30 अंक लाना होगा, तथा अन्य श्रेणियों के लिए भी 30% का कटाव रखा गया है, यानी आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 50 में आपको 40% आना अनिवार्य है, यानी कि लगभग आपके 20 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, 20 नंबर से कम आएगा तो आप प्रथम चरण की लिखित परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, तथा अनुसूचित जनजाति के लिए तथा जाति के लिए भी कट ऑफ 30% का रखा गया है। यह प्रारंभिक लिखित परीक्षा थी, इससे मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, सारी मेरिट जो बनेगी द्वितीय चरण से बनेगी। द्वितीय चरण में कुल 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसके लिए 3 अंक दिए जाएंगे 1 क्वेश्चन के लिए, तथा गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, तथा अनारक्षित श्रेणी के लिए यहाँ पे कम से कम 30% अंक लाना होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20% तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए कम से कम 20% लाना होगा। केवल चरण 2 परीक्षा में प्राप्त अंक आधार पर चरण 2 के लिए उम्मीदवार की एक योग्यता सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पर जो कुल मेरिट बनने वाली है द्वितीय चरण से बनने वाली है, यानी कि आपका प्रथम चरण था जो मैथ वाला पोर्शन था, वहाँ से केवल आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करने के बाद सारी मेरिट जो बनेगी
यहीं से बनने वाली है। जो 50 प्रश्न होंगे, 50ों प्रश्न आपके टेक्निकल होंगे, यानी आईटीआई से संबंधित होंगे। अगर आप आईटीआई फिटर से हैं तो फिटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारी मेरिट यहीं से बनने वाली है। तृतीय चरण के लिए अब केवल स्किल टेस्ट को रखा गया है तृतीय चरण में, यानी कौशल परीक्षा जिसे स्किल टेस्ट कहा जाता है, यानी कि ये अगर कुल लगभग 5 गुने से अधिक नहीं होगी। और चरण और 3 में ट्रेड कौशल परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या का अधिकार सुरक्षित रखा जाएगा। उम्मीदवारों की अर्हता प्राप्त के लिए कौशल परीक्षा गो या नो गो के आधार पर होगी। ये ट्रेड कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को चरण 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। यानी कि आपकी जो एग्जामिनेशन होगी, ये उपयोग चरण 1, 2, 3 लगातार 2 दिनों में आयोजित किए जाएंगे और विवरण और सूचित किया जाएगा। यानी कि अगर आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, यानी स्टेज टू को क्वालिफाई कर लेते हैं, स्टेज टू को क्वालिफाई करने के बाद 5 गुना अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट गो और नो गो के आधार पर रखा गया है, यानी गो और नो गो के आधार पर रखा गया। यानी आप स्किल टेस्ट के लिए पास करते हैं तो गो, नहीं पास करते हैं तो नो गो। यानी आपकी कुल मेरिट स्टेज टू से बनेगी, यानी टेक्निकल क्वेश्चन से आपकी मेरिट बनने वाली है। आवेदन शुल्क को कितना रखा गया है? आवेदन शुल्क जो रखा गया है SC ST और फीमेल और PWD और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अदर कैटेगरी के लिए कुल शुल्क 200 रुपया रखा गया है। यानी उपरोक्त जो परीक्षा होगी चरण 1, चरण 2, चरण 3 यानी कि स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 3 लगातार 2 दिनों तक आयोजित किए जाएंगे। यानी लगातार आपके तीनों चरण के एग्जाम करा के ये सारा काम 2 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा? प्रथम वर्ष में 10,500 तथा द्वितीय वर्ष में 12,500 रुपया प्रतिमा मिलेगा, तथा इसके अलावा आपको 3,000 रुपया और प्रशिक्षु पुस्तक भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। इसके बाद प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समापन के बाद आपको ग्रेड 3 के स्तर पर रखा जाएगा, तथा प्रारंभिक वेतन 21,300 होगा। और आपको एक बांड भरना पड़ेगा जिसकी कीमत 2,76,000 रुपये है। प्रशिक्षुओं को निर्धारित प्रोफार्मा 2,76,000 रुपये की राशि के समझौते में क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करना होगा। यानी कि एक बांड रखा गया है, बांड में जिसका 2,76,000 रुपये, अगर आप बीच में कभी साल भर के अंदर ट्रेनिंग के दौरान यानी 2 ईयर्स के अंदर आप नौकरी छोड़ते हैं तो यह 2,76,000 रुपये आपको जमा करना होगा। कार्य का स्वरूप क्या होगा कि आपसे क्या कार्य किया जाएगा? आपके ट्रेड के अनुसार आपसे एक काम को लिया जाएगा। अगर आप फिटर के ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो मैकेनिकल यूटिलिटी सिस्टम आदि का संचालन, निर्माण और रख रखाव किया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन सब स्टेशन और अन्य इंस्टॉलेशन आदि में विद्युत उपकरण और सहायक के विद्युत तारों का निर्माण, संचालन, मरम्मत और रख रखाव में किया जाएगा। और इसकी जो लास्ट लगभग तिथि रखी गई है, लास्ट तिथि 4 नवम्बर को है। इसमें इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। यानी कि लास्ट तिथि जो है 4 नवंबर 2022 को 5:30 बजे तक रखी गई है। और इसके प्रमुख दस्तावेज जो हैं, प्रमुख दस्तावेज क्या क्या हैं? आयोग का प्रमाण पत्र यानी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, शैक्षिक मार्कशीट यानी 10th और ITI की मार्कशीट को रखा गया है, उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तब, और जाति प्रमाण पत्र और आपकी जो फीस रिसिप्ट होगी यही, और आपके फोटो होना चाहिए और साइन होना चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। कृपया ध्यान दें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन और सहायक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी को भेजना आवश्यक नहीं है, यानी कि केवल ऑनलाइन आवेदन करना है, हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है 6 अक्टूबर है तथा लास्ट डेट जो है 4 नवंबर है, इसी के बीच में ऑनलाइन आवेदन करना है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें।